लोकसभा चुनाव 2024 के बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल कर्मचारियों की यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। ये आदेश मंत्रालय महानदि भवन के वित्त विभाग से जारी किया गया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब लोक वाहन या सड़क यात्रा की श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारियों को एसी बस से यात्रा की पात्रता होगी, तो वहीं श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को नॉन एसी डिलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी। इसके साथ ही हवाई यात्रा के लिए HAG वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एग्जीक्यूटिव यात्रा के लिए पात्र होंगे। वेतन लेवल 14 यानी कि ग्रेड पे 7600 या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। आपको बता दें कि ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं तो प्रति किलोमीटर की दर से 12 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। वहीं इसमें एसी टैक्सी भी शामिल है जिसके लिए 14 रुपए प्रति किलोमीटर दिया जाएगा। हालांकि टैक्सी की पात्रता तभी होगी जब वास्तव में टैक्सी से यात्रा की गई हो और इसकी रसीद हो। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही है। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर जानने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।